नमस्कार, आप देख रहे हैं से। युवती के कुंडल और मोबाइल लूटने का प्रयास कर रहे युवकों को दबोचा। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में इंदिरा पार्क के सामने बैराज रोड पर दीपिका गुप्ता पुत्री मनोज कुमार निवासी आवास विकास कॉलोनी, जो कि एक कंपनी में मार्केटिंग का काम करती है, शाम के समय वह अपने घर लौट रही थी। तभी पीछे से आए दो बाइक सवार युवकों ने दीपिका के कानों पर झपटा मारा और उसका मोबाइल छीनने का प्रयास किया। दीपिका के शोर मचा देने पर मौके पर मौजूद लोगों ने युवकों को पकड़ लिया। सूचना पर तैनात पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने आरोपी युवकों को हिरासत में ले लिया और थाने ले आए। पकड़े गए आरोपियों में समीम पुत्र फिरोज उर्फ बब्बू तथा सैफुद्दीन पुत्र इस्लामुद्दीन, जो वहीं काशीराम कॉलोनी के रहने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मेश सिंह का कहना है कि आरोपियों ने दीपिका के कानों से कुंडल व मोबाइल आदि लूटने का प्रयास किया था, जिन्हें पकड़ लिया गया है और उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर के सिविल लाइन पुलिस चौकी के इंदिरा कॉलोनी की एक लड़की जो जा रही थी मार्केटिंग करके, समीम और सैफुद्दीन दो लड़के जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से थे, उन्होंने झपट्टा मारा, कुंडल छीनने का प्रयास किया, असफल रहे। फिर मोबाइल छीनने का प्रयास किया, वहां पर मोटरसाइकिल मोबाइल के दो सिपाही द्वारा मौके पर ही दबोच लिया गया और उनको पकड़ा गया। लूट के प्रयास यानी 393 IPC का अभियोग पंजीकृत करके दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है।